हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है सोनी MHC GN1000, ठीक है, मॉडल नंबर GN1000 है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें तो पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी इसमें डिस्प्ले आ रहा है, इससे पहले डिस्प्ले नहीं आ रहा था और ये लाइट जो है ब्लिंक करने लगी थी। कुछ भी काम नहीं करेगा, आप कितना भी बटन दबाओगे या कुछ भी काम करोगे, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं पर दिखाया था इन्होंने, पूरा देखा हुआ है और इसका पूरा स्क्रू वगैरह भी खोला हुआ था। इसका डबल स्टिक के वाला है और आउटपुट बहुत अच्छा है इसका, 90 dB सेम आता है और 90 dB और 100 dB, सॉरी ये 100 dB है, 1000 dB नहीं, सॉरी 100 dB है ये भी जीरो लग रहा था लेकिन डी है, 100 dB और 90 dB सेम आता है, 19-20 फर्क रहेगा बस। और इसमें स्पीकर कनेक्टर आप देखिए ऐसे लिखते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ इसमें आपको कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको इससे पहले इसमें नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ये डिस्प्ले नहीं आ रहा था, सिर्फ लाइट ब्लिंक कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ किया जिसकी वजह से वो डिस्प्ले आने लग गया। फिर मैंने बोला पहले आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो है, आप इसमें देखेंगे ना साइड में दो बोर्ड, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, आपको ये बोर्ड में देखोगे ना तो आपको दिखेगा, देखिए जो बोर्ड का भी समझ लो लिखा कहाँ पे है, ये साइड में लिखा है बोर्ड का जो है लिखा है ये साइड में, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्लियर थोड़ा सा। अब देखिए इसमें डीसी डिटेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये साइड में, ठीक है, ये यहाँ पे देखो फर्स्ट पिन डीसी डिटेक्ट लिखा है, दूसरा ओवरलोड लिखा है और उसके बाद सब ऊपर एसटी के म्यूट या स्विचिंग एसटी के म्यूट हो सकता है या सब ऊपर। तो यहाँ से तो ये वाला जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और जो ये लिखा है ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ये और ये वाला यहाँ से। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर डीसी डिटेक्ट लिखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर मैंने यहाँ पर काटा भी था डीसी डिटेक्ट का पिन। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जंपर फिर से मार दिया था, ठीक है, यहाँ से मैंने 20 से डी से ट्रैक कट करना, मतलब होता है कि 20 से कट कर देना, ये जो ट्रैक आ रहा है ये ग्रीन वाला, अभी ये समझ लो ये ट्रैक आ रहा है, तो इसको 20 से काट देना, तो इसको ट्रैक कट करना बोलते, तो यहाँ से कर दिया है। सेम पावर ऑन करते हैं, मैंने पहले ही काटा था, देखिए अभी ये ब्लिंक करना बंद हो गया, बट ये ऑन नहीं हो रहा है, ये इसमें अभी इसमें प्रॉब्लम है, ये स्विचिंग नहीं हो रहा है, वो स्विच वगैरह शॉर्ट करके मेरे को देखना पड़ेगा, या तो स्विच ख़राब होगा काफ़ी टाइम से रखा है या फिर कुछ और इश्यू रहेगा, ये मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। बट जो प्रॉब्लम था इसमें वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी स्टैंड बाई नहीं ऑन हो रहा है, ये इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, स्विच ख़राब हो सकता है या फिर आगे कुछ और फॉल्ट रहेगा। बट जो डीसी डिटेक्ट पिन था इसमें यहाँ पे तोड़ा भी है, आप देखिए यहाँ पे तोड़ ओड़ के पूरा जंपर ऊपर मारा गया है, तो वो भी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ये यहाँ पे तो ये सेम 1000 dB, 90 dB, 100 dB ये सब में ये प्रॉब्लम आता है, बट ये मिलता नहीं है ज़्यादातर, बहुत अलग अलग जगह से डीसी डिटेक्ट देते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न होता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।